सो अगर आपका बजट 15 से 20,000 का है और आपको एक अच्छा सा सैमसंग का मोबाइल चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम सैमसंग के 3 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें आपको काफ़ी दमदार फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बड़ी बैटरी भी देखने को मिल जाएगी, 7000 mAh तक की बैटरी देखने को मिलने वाली है और उसी के साथ आपको अच्छा खासा कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा, 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, सुपर एमोलेड स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ आपको 90Hz का पैनल भी देखने को मिल जाएगा। और गेमिंग में हैवी ड्राइवर हो मतलब आपको एक अच्छा खासा प्रोसेसर भी चाहिए, सो आपको फ्लैगशिप ग्रेड चिपसेट देखने को मिल जाएगा जिससे आप हाई फ्रेम में PUBG, फ्री फायर, COD वगैरह आसानी से खेल पाएंगे, मतलब परफॉर्मेंस के लिए भी काफी अच्छा होने वाले हैं ये सारे स्मार्टफोन। तो ये सभी फीचर्स आपको डिटेल में बताने वाले हैं और साथ में ये भी बात करेंगे कि किस फोन में आपको कौन से प्रोस देखने को मिलते हैं और क्या कौन से देखने को मिलते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये देख सकते हो इस चैनल के एनालिटिक्स है जो कि बता रही है कि इस चैनल के 98% ऐसे ऑडियंस है जो कि वीडियोज़ तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आओ। खैर ये सारी बातें साइड करते हैं और बढ़ते वीडियो की ओर, अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से और नंबर 1 पर हमने रखा है सैमसंग गैलेक्सी F62। मेरे हिसाब से इससे अच्छा फ़ोन देखने को नहीं मिलेगा इस प्राइस पॉइंट पे, काफ़ी अच्छा फ़ोन देखने को मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस फ़ोन में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 6.7 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले हम जानते हैं सैमसंग की डिस्प्ले काफ़ी कमाल की होती है, लेकिन आपको इस फ़ोन में किसी भी तरह का हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा, 60Hz के साथ आता है। वहीं पर इस फ़ोन की कैमरे की बात करें तो इस फ़ोन में आपको कैमरा काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, क्वाड कैमरे सेटअप के साथ आता है, प्राइमरी सेंसर 64 MP का सोनी का IMX682 सेंसर देखने को मिल जाएगा जिससे लो लाइट फोटो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। वहीं पर सेकेंड कैमरा हमें 12 MP का देखने को मिल जाता है जिससे आप अल्ट्रा वाइड फोटो भी काफ़ी अच्छी ले पाएंगे और थर्ड कैमरा 5 MP का देखने को मिल जाएगा जो कि वोके इफेक्ट के लिए काम आता है। वहीं पर फोर्थ कैमरा भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि मैक्रो फोटो के लिए काम आता है और फ्रंट में हमें 32 MP का इन डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि इस फ़ोन से आप बैक कैमरे और फ्रंट कैमरे दोनों से ही 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। वहीं पर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स और देखने को मिल जाते हैं जैसे कि सिंगल टेक, सुपर स्लो मोशन, तो और भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही कैमरे में आपको 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो कैमरा वाइज भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और बैटरी भी इस फ़ोन के अंदर बहुत बड़ी लगी हुई है, 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, उसी को चार्ज करने के लिए आपको 25W का आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। 1.5 घंटे के आसपास ये फ़ोन फुल चार्ज हो जाती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात हो जाती है। इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएंगे, बाकी के जितने भी सेंसर्स हैं जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और भी जितने भी सेंसर्स हैं सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे। और बैक साइड में आपको ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिल जाएगा जो कि पॉलीकार्बोनेट बॉडी है और ये फ़ोन 4G नेटवर्क के साथ आता है, वो भी ट्रिपल स्लॉट के साथ, तो 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे, 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। इस फोन के अंदर सैमसंग की तरफ से आने वाला फ्लैगशिप चिपसेट लगा हुआ है Exynos 9825 जिसे आप कंपेयर कर सकते हो Snapdragon 855 प्लस से। इस प्रोसेसर की अंतुतु स्कोर की बात करें तो 4 लाख के आसपास देखने को मिल जाती है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। वहीं पर सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस फोन की प्राइस की बात करें तो 6GB रैम और 128GB के लिए आपको 17,999 रुपये देने होंगे, कुछ बैंक ऑफर भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये फोन आपको 16 से 17 हज़ार में देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। बड़ी सी बैटरी देखने को मिल रही है, अच्छा खासा कैमरा सेटअप है, वहीं पर अच्छा खासा डिस्प्ले भी देखने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा पैकेज देखने को मिल रहा है सैमसंग की तरफ से। अगर आपको सैमसंग का बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो शायद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है और इस फोन के बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनफैक्ट सभी स्मार्टफोन के बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर कर लेना। सो नंबर 2 पर हमने रखा है सैमसंग की तरफ से आने वाला चीपेस्ट 5G मोबाइल, आप सभी लोगों ने गेस्ट कर लिया होगा, सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। हाँ ये फ़ोन 20,000 के नीचे ही आता है जिसमें आपको 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को मिलता है, वो भी सैमसंग की तरफ से। चलिए और भी जानते हैं कि इस फोन में आपको और भी क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं इस फोन के प्रोसेसर से। इस फोन में आपको काफ़ी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 5G चिपसेट है। वहीं पर इस फोन की अंतुतु स्कोर की बात करें तो 3.5 लाख के आसपास
आसपास देखने को मिली है। तो इस प्रोसेसर से आप पबजी, फ्री फायर, फोर्टनाइट वगैरह आसानी से खेल पाएंगे, वो भी हाई फ्रेम में। इस फोन में भी हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइमरी सेंसर आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। अब ये नहीं पता कि ये सैमसंग का है या फिर सोनी का है। वहीं पर सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। और दो और कैमरे देखने को मिल जाते हैं, दोनों ही 5 मेगापिक्सल के हैं, जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए है। फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैक कैमरे से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब बैटरी की बात करें तो इस फोन में हमें 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन केवल 15 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा बैटरी को चार्ज करने में। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में आपको 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि अपने प्राइस पॉइंट को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। इस प्राइस रेंज में फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलना चाहिए था, जबकि इस फोन में आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा माइनर सा चेंज देखने को मिलता है HD+ और फुल HD+ में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फोन में आपको 90Hz का पैनल देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस फोन में हमें एक अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जबकि गैलेक्सी F62 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है। बैक साइड पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई है, फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये फोन 5G नेटवर्क के साथ आता है, तो अगर आपको एक सैमसंग का 5G स्मार्टफोन चाहिए, वो भी 20,000 से नीचे, तो ये फोन आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इस फोन की प्राइस की बात करें तो 6GB रैम और 128GB के लिए आपको 19,999 रुपए देने होंगे, लेकिन कुछ बैंक ऑफर वगैरह मिलाकर ये फोन आपको 18,500 के आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो काफी अच्छा ऑप्शन बन सकता है, 18,500 के नीचे आपको 5G मोबाइल देखने को मिल रहा है, वो भी सैमसंग की तरफ से। और नंबर 3 पर हमने सैमसंग के दो स्मार्टफोन को रखा है, सैमसंग गैलेक्सी F41 और सैमसंग गैलेक्सी M31S। लगभग सेम ही फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गैलेक्सी F41 के बारे में, और लास्ट में गैलेक्सी M31S के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा कि क्या अलग फीचर है उसमें। तो गैलेक्सी F41 की बैटरी की बात करें तो इस फोन में आपको 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिल जाती है, उसी के साथ आपको 15 वाट का चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पर प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में आपको एक्जीनोस 9611 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, तो ठीक ठाक गेमिंग वगैरह कर पाएंगे। अगर आप हैवी गेमर हो तो ये फोन आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। अगर लो लाइट या फिर ठीक ठाक गेमिंग वगैरह करते हो, ज़्यादा गेम नहीं खेलते हो, तो ये प्रोसेसर आपके लिए ठीक ठाक है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, 6.4 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, तो डिस्प्ले वाइज काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। कैमरे की बात करें तो कैमरा भी अच्छा देखने को मिलता है, प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर देखने को मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड का है, और थर्ड कैमरा 5 मेगापिक्सल का बोके इफेक्ट के लिए। और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का यू नॉच कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो बैक कैमरे से 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी 60fps तक, और वहीं पर फ्रंट कैमरे से 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। रियर साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, तो यहां से भी आपको थोड़ा सा पुराना फैशन लग सकता है, थोड़ा सा आउटडेटेड लग सकता है। वहीं पर ये फ़ोन भी ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, लेकिन 4G नेटवर्क के साथ आता है, तो दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 14,499 रुपये पे करने होंगे, मतलब 14,500 का ये फ़ोन है, जिसमें आपको स्टोरेज 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज देखने को मिल रहा है, बड़ी सी बैटरी देखने को मिल रही है, ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा पैकेज देखने को मिल रहा है, वो भी 13,500 से 14,000 में, क्योंकि इस फोन में आपको बैंक ऑफर भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये फोन आपको 13,500 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 13,500 में इससे अच्छा स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेगा आपको, काफी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर गैलेक्सी M31S के फीचर्स के बारे में बात करें तो सेम ही फीचर देखने को मिलते हैं, बस इस फोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, बाकी के जितने भी फीचर्स है सेम ही देखने को मिलेंगे। और M31S में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएंगे, तो एक दो फीचर्स अलग देखने को मिल सकते हैं, जबकि M31S की प्राइस भी ज़्यादा है, 19,000 के आसपास देखने को मिलेगा, तो 3-4,000 का फर्क है, वो आप देख लेना। तो यही कुछ फोन है जो कि बेस्ट है सैमसंग की तरफ से आने वाला, वो भी मई के महीने में। तो आज के वीडियो में इतना ही था, बाकी आप मुझे बताओ आपको इन तीनों में से कौन सा पसंद आया और आप कौन सा परचेज करने वाले हो। और हाँ, बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जरूर चेकआउट कर लेना, और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।